सिरनाज का क्रेज जितना 2 साल पहले था वैसा ही क्रेज अभी भी देखने को मिलता है। सिरनाज का बिग बॉस 13 के बाद बाहर निकलना, फैंस में मानो खलबली मच गई कि क्या अब हम सिरनाज को कभी देख पाएंगे। लेकिन अचानक से सिद्धार्थ और शहनाज का पोस्ट शेयर करना, भुला दूंगा का अनाउंसमेंट करना फैंस को मानो एक सुकून सा दे गया, और उसके बाद तो भाई फैंडम ने जो तबाही मचाई थी वो आज भी याद रखी गई है। जी हाँ, सिरनाज का ये गाना भुला दूंगा 24 मार्च को रिलीज़ हुआ था और फैंस ने ये ठाना है कि इस साल भी हमें इस गाने को स्ट्रीम करना है। फैंस आज से स्ट्रीम करना शुरू कर चुके हैं इस गाने को। और गाना क्या कहें, ये एक इमोशंस है इसमें, जो जो चीज़ें हुई उससे फैंस की अटैचमेंट है, एक कनेक्शन है इस गाने के साथ, क्योंकि भुला दूंगा सिरनाज का पहला प्रोजेक्ट था साथ में, उसे कोई कैसे भूल सकता है। और इस गाने ने तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए थे, बहुत ही जल्दी 1 मिलियन लाइक्स का बहुत जल्द इस गाने ने कमाया था। हैशटैग सिरनाज भी हो रहा है आज ट्रेंड, यानी कि सिरनाज का जलवा जैसा था वैसा है। और काबिले तारीफ है ये फैंडम जो सिरनाज की जो चाम है उनका बरकरार रखे हुए, उनकी लेगेसी को बनाए हुए है, उनको याद करता है, हमेशा याद करता है, और अब भुला दूंगा के गाने को स्ट्रीम किया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आप भी हैं सिरनाज के फ़ैन? अगर हाँ तो ज़रूर जाना और भुला दूंगा गाने को स्ट्रीम करते रहना, क्योंकि फैंस ने ये ठाना है कि हमें भुला दूंगा को स्ट्रीम करना है। और इसके चलते हैशटैग भुला दूंगा ट्रेंड हो रहा है, सिरनाज भी ट्रेंड हो रहा है। यकीनन जो इस गाने से अटैचमेंट लोगों की हुई, फैंडम की हुई, वो शायद ही कभी किसी और के साथ हो सकती है। और उसके बाद तो इतनी सारी मेमोरीज़ हैं सिरनाज से जुड़ी जो फैंस हमेशा मिस करते हैं, हमेशा याद करते हैं। काश एक बार फिर हम सिरनाज को देख पाते, काश एक बार फिर सिरनाज को हम जीते हुए साथ में देख पाते, बट किस्मत और कुदरत से बढ़कर किसी के हाथ में कुछ नहीं।